दर्पण बात मत करो, महाराज से सुनो। अरे मोर किधर आओ, ए रानी सतवती के ए सर से चादर उतारो। स्वर्णनाथ, ये मैं क्या देख रही हूँ? नंगे पांव? हाँ रानी सतवती, ये सब क्या हुआ? फिर भी ये राजी को झांकना देख करके तो हम चकित हो रही हूँ। इतना ही नहीं रानी सतवती, मेरे दोनों हाथों से कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्या है? ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, जो होना था वो हो चुका है। ए बाबा, हो ए बाबा, बाबा ये क्षमा कुछ करो, थोड़ा का हो। अरे महाराज धक्के मार कर दरबार से माफ कर दो। इनाम के तीनों को लात मार के बाहर करने भेज कर एक लात मारो नहीं पसंद। मेरे मोर को से मारना नहीं है। नहीं बाबा, निकलो रहे। मैं मासूम बच्चा लेकर कहाँ जाऊँगी? मैं नहीं जानता हूँ कि तुम अपने अंधे और इस मासूम बच्चे को लेकर कहाँ जाओगी। मैं कह रहा हूँ इन तीनों को धक्के मार के बाहर कर दो। अरे तुम भी निकलो यहाँ से, निकलो। बाबा क्या है तेरे मार के हमारों के भागा वाला क्यों भगाओ तुझे? हम तो अरे कह रहा है लड़का क्यों नहीं रहने लायक हो? खुदे कारा सारी माही यही तरह दो चार दिन तू फिर चला चले और हाथ हो जाए। एक काम करो जी, इधर आओ जी। आज तो तुम जानते हो कि मैं इस राज का राजा बना हूँ जी सरकार, और इस खुशी में जाओ किसी नाचने गाने वाले को बुला लाओ। हाँ नाचे गाने वाले? हाँ लेकिन द्वारपाल वो भी सुंदर और सुनहरी होनी चाहिए। सुरली है ना? सुरली का मतलब समझ रहे हो? जी हाँ। क्या समझ रहे हो? मैंने दोनों आग की सूर हो। क्या प्रॉब्लम हो पाएगा? अरे मार के दोनों आग की सूर आकर क्या करेंगे यहाँ? आग के दोनों आदमी को टोए क्या प्रॉब्लम हो? अरे मार सुंदर और सुरली का मतलब समझते हो? सुंदर का मतलब उसका चेहरा सुंदर हो यानी चेहरा, और सुरली का मतलब उसका स्वर। अच्छा 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 जाओ द्वारपाल। बिल्कुल बिल्कुल सरकार, बैठिए आप, अभी मैं लेकर आ रहा हूँ। बैठिए बैठिए बैठिए। भाई साहब, हे 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 बूढ़ी, हे बूढ़ी, हे बूढ़ी, हे बूढ़ी, कहो देख।